ऐसे सरोजनी अपने टॉप्स के लिए और लेटेस्ट फैशन के कलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पल्लवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यशी मल्टीटास्कर्स। तो आज का जो ये वीडियो है वो है हॉल वीडियो। वैसे तो आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस हॉल वीडियो की बात कर रही हूँ। तो अभी मैं कुछ टाइम पहले सरोजनी गई थी। अगर दिल्ली जाएं और सरोजनी ना जाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने भी सोचा कि वहाँ जाके क्यों ना विजिट किया जाए कि क्या क्या नया कलेक्शन आया है और कैसी शॉप्स है, कैसा मार्केट है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही सरोजनी गई थी। तो वहाँ से मैं कुछ कुछ आइटम लेके आई हूँ, तो वो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो पहले आप जाइए और छोटी सी झलक देख के आइए सरोजनी मार्केट की, उसके बाद मैं अपना हॉल वीडियो स्टार्ट करती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज किया था। जो लोग दिल्ली से हैं उन्हें पता है कि सरोजनी मार्केट कैसे पहुंचा जा सकता है, और जो लोग दिल्ली से नहीं हैं उन्हें मैं बता दूं, सरोजनी मार्केट जाने के लिए राजीव चौक से आप पिंक मेट्रो लाइन की मेट्रो पकड़ के आप सरोजनी मार्केट पहुंच सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरोजनी मार्केट का जो मेन एंट्रेंस गेट है वो गेट नंबर 3 से स्टार्ट होता है। तो गेट नंबर 3 से आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको वहाँ से ही मार्केट की जितनी भी शॉप्स हैं वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी। और उस दिन भी काफ़ी रश था तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाया, पर थोड़ा बहुत व्यू वहाँ का आपको मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ कि वहाँ पे किस टाइप से जो शॉप्स हैं लगी हुई हैं। और स्टार्टिंग की जो शॉप्स हैं वो पर्स वगैरह, कॉस्मेटिक और ईयरिंग्स वगैरह की ही वहाँ पर लगी हुई थी। इस मार्केट के हर एक शॉप का अपना एक नंबर है और हर शॉप पर जो भी आइटम मिलता है वो लगभग हर एक शॉप पर सेम ही मिलता है। तो सरोजनी मार्केट में जो भी चीज़ें, जो भी क्लोथिंग वगैरह वहाँ पर आती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की भी होती है और उसका जो प्राइस होता है वो बिल्कुल बजट होता है। अगर आप बजट पर शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपको सरोजनी एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। और अगर आप वेस्टर्न और इंडियन ड्रेस पहनने के भी शौकीन हैं तो आपको इस टाइप की वहाँ पर ड्रेसेस की खूब अच्छी वैरायटी मिलेगी। टॉप्स के लिए और लेटेस्ट फैशन के कलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर आपको टॉप वगैरह पहनने का शौक है तो वहाँ से आप ऑन बजट बहुत अच्छे अच्छे टॉप्स ले सकते हैं। तो मैंने भी वहाँ से एक टॉप परचेज किया जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की शॉप से लिया था। तो इस टाइप का वो टॉप है, ज़ेब्रा लाइनिंग इस पर की हुई है और ये टॉप जो है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब समर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसका जो प्राइस था वो 100 रुपीज़ था। और इस पर जो भी डिटेलिंग हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके फ्रंट में एक पॉकेट भी दी हुई है, तो काफ़ी सुंदर लगा मुझे ये टॉप। और 100 रुपीज़ में देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा था ये। और इसका जो मटेरियल है वो भी काफ़ी अच्छा है, समर्स के लिए बहुत अच्छा था। तो ये टॉप मैंने वहाँ से 100 रुपीज़ का स्टार्टिंग की शॉप से परचेज़ किया था। है कि मैंने अगला टॉप वहाँ से क्या परचेज़ किया था। तो अगली टॉप जो मैंने वहाँ से परचेज़ की थी वो थी ये शॉर्ट शर्ट। तो मुझे ये मैक्सी ड्रेस वगैरह के ऊपर पहनने के लिए एक शर्ट चाहिए थी। कभी कभी आप मतलब स्लीवलेस पहनने में कंफर्टेबल फील ना करें तो आप इसके ऊपर से ये शर्ट पहन के आप अपनी ड्रेस को भी कंप्लीट कर सकते हैं और आपको अनकंफर्टेबल भी नहीं लगेगा। तो इस टाइप की शर्ट वहाँ पे बहुत मिल रही थी, बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, कुछ प्रिंटेड में भी थी, कुछ प्लेन में भी थी, पर मुझे वाइट कलर की ही चाहिए थी। तो मुझे जैसी चाहिए थी वहाँ पर मिल गई। तो ये शर्ट का जो प्राइस था वो था 100 रुपीज़ और इसकी जो स्लीव्स है वो सेल से फुल स्लीव्स दी हुई है, तो ये भी काफ़ी अच्छी वहाँ पे मुझे मिल गई। तो ये थी मेरी टॉप की अगली परचेजिंग। आई होप आपको भी पसंद आई होगी परचेज। तो जो मेरी नेक्स्ट परचेजिंग थी वो थी ये पिंक कलर का टॉप। तो इस टाइप की टॉप की वहाँ पे बहुत वैरायटी थी, बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, तो मैंने तो लाइट पिंक कलर का ही लिया क्योंकि अभी मैं जो आपको दिखाऊंगी लॉन्ग स्कर्ट उसी के ऊपर पेयर करने के लिए मैंने ये टॉप खरीदा था। उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और इसका जो प्राइस था वो भी 100 रुपीज़ था। काफ़ी सारे कलर थे इसमें और पूरा प्योर कॉटन का ये टॉप है, तो ये भी मैंने उसी शॉप से परचेज़ किया था। आई होप आपको भी ये पसंद आया होगा। मार्केट है वो बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं और हर एक शॉप का अपना अपना नंबर है। तो शॉप का नंबर तो मुझे नहीं याद है, लेकिन जो भी वहाँ पे टॉप्स वगैरह हर एक शॉप पर और जो उनका जो प्राइस है वो लगभग हर एक शॉप पर सेम ही है। तो वहाँ से मैंने डेनिम वगैरह पे पहनने के लिए एक टॉप और परचेज़ किया था, वो था ये शर्ट स्टाइल का टॉप। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसका जो नेक है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसके अंदर आपको स्पैगेटी वगैरह पहननी पड़ेगी, उसके बाद आप इस शर्ट को पहन सकते हैं। आप चाहे तो उसको डेनिम के साथ पेयर करेंगे तो भी अच्छा लगेगा,
और अगर आप उसको लॉन्ग स्कर्ट के साथ पहनना चाहेंगे तो भी अच्छा लगेगा, बस आपको लॉन्ग स्कर्ट से अगर आप उसको पहनते हैं तो आपको शर्ट को अंदर करके पहनना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छा था, कॉटन मटेरियल का था, मैरून कलर का, तो इसका जो क्वालिटी थी वो भी ओके ओके ही थी। मतलब ये मैं नहीं कहूँगी शर्ट बहुत अच्छी थी, पर 50 रुपीज़ का इसका जो प्राइस था वो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे सही लगी, तो मैंने ये परचेज़ कर लिया। तो ये थी मेरी अगली परचेजिंग टॉप की। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं और आपको वेस्टर्न ड्रेस पहनने का शौक है, अगर आपके ऑफिस में अलाउ है तो वहाँ पर पहनने के लिए वहाँ पे इस टाइप की शॉर्ट कुर्तियाँ बहुत मिल रही थी। ये ट्राउज़र वगैरह पे ये कुर्तियाँ बहुत सुंदर लगती हैं, और इसका जो कलर था वो लाइट पिंक कलर था इसका कलर था, और ये बहुत सुंदर थी। इसका जो मटेरियल था वो पूरा प्योर कॉटन था, और ये शॉर्ट है, अभी मैं इसकी पिक्चर आपके संग शेयर करूँगी। तो इस टाइप की कुर्तीज़ ट्राउज़र वगैरह बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो आप इसको प्लाजो पे पहन सकते हैं और ट्राउज़र पे पहन सकते हैं, तो इस टाइप की कुर्ती वहाँ पे बहुत आई हुई थी। इसका जो प्राइस था वो था 150 रुपीज़, और जो पूरा इसका जो मटेरियल था वो कॉटन का था, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इस टाइप की मैंने एक कुर्ती परचेज़ की, फिर इसी की मैचिंग का मैंने पेयर करने के लिए इसको पहनने के लिए वहाँ से एक ट्राउज़र भी किया खरीदा था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ पर किस कलर का ट्राउज़र परचेज़ किया था। जो मैंने वहाँ से परचेज़ की थी वो थी ट्राउज़र, तो जिस टाइप का मुझे ट्राउज़र चाहिए था वो मुझे वहाँ पर मिल गया। वहाँ पे ट्राउज़र्स की बहुत ही अच्छी वैरायटी आई हुई है, आपको ट्राउज़र पैंट वहाँ पे बहुत अच्छी रेंज में मिल जाएंगे। तो ये ट्राउज़र मैंने वहीं से परचेज़ किया, नी लेंथ का ये ट्राउज़र है, और इस तरीके से यहाँ पे इसमें आगे बटन लगी हुई है और पीछे इलास्टिक वगैरह दी हुई है। तो अगर आपको ये लूज़ लगता है तो आप इसको यहाँ पे ऐसे बांध भी सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसका जो प्राइस था इस ट्राउज़र का उसने मुझे 400 बोला था, पर 250 रुपीज़ में उसने मुझे प्राइस पर दे दिया था ये वाला ट्राउज़र। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा, इसका जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है, इसको मैं वॉश भी कर चुकी हूँ, यूज़ भी किया है मैंने, और ये काफ़ी अच्छा निकला मेरा। तो ये थे मेरे ट्राउज़र की शॉपिंग, आई होप ये आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगली चीज़ जो मैंने वहाँ से परचेज़ की थी वो थी ये लॉन्ग स्कर्ट। तो इस टाइप की जो लॉन्ग स्कर्ट थी वो बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है, आप इस तरह से यहाँ पे स्कर्ट अगर आपको लूज़ लगती है तो आप यहाँ पे बांध भी सकते हैं, ऐसे बेल्ट भी दी हुई है। तो ये वाली स्कर्ट जो थी वो मुझे मिली थी 150 रुपीज़ में, और वहाँ पे स्कर्ट्स की भी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है। मुझे स्कर्ट पहनने का भी काफ़ी शौक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। तो पिंक कलर जो टॉप की मैं बात कर रही थी वो मैंने इसी स्कर्ट के ऊपर पहनने के लिए खरीदा था। तो ये स्कर्ट भी मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गई थी, तो इसका जो मटेरियल है वो पूरा कॉटन मटेरियल है। तो ये थी मेरी कपड़ों की शॉपिंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या ज्वेलरी और क्या क्या पर्स वहाँ से परचेज किए थे। वैसे तो सरोजनी मार्केट के जो भी आइटम है वो ऑन बजट होते हैं, लेकिन वहाँ के जो पर्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। कुछ स्टाइल वहाँ पे यूनिक लगी मुझे पर्स की, और कुछ कुछ जो थे वो सिमिलर जो मैंने ऑनलाइन देखे वही प्राइस में मुझे वहाँ पे रेट में मिल रहे थे। वहाँ से मैंने एक परचेज किया है पर्स, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इस टाइप का पर्स मैंने वहाँ से परचेज किया था। तो ये जो पर्स है आपको वहाँ पे 300 रुपीज़ में आराम से मिल रहे थे, और इस टाइप से इसमें यहाँ पे बेल्ट दी हुई है, इस बेल्ट पर ग्रीन कलर का कपड़ा लगा हुआ है साटन का। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा, इसका जो प्राइस था वो 300 रुपीज़ था, और इस टाइप से इसमें काफ़ी ज़्यादा काफ़ी सामान इसमें आ सकता है, मतलब काफ़ी गहरा है ये, और इसमें एक कंपार्टमेंट भी दिया हुआ है बीच में इस तरह से, और इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें रख सकती हूँ, इसमें मोबाइल, मेरा फ़ोन, छोटा मोटा मेकअप, सैनिटाइज़र, हैंकी वगैरह इसमें आराम से आ सकता है। और अगर आपका इसका स्लिंग बनाने का मन हो तो आप इसमें इस टाइप से इसमें स्ट्रिप दी हुई है, और आप इसको स्लिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी मतलब प्राइस में मिल गया, ऐसे बहुत सारे कलर थे, तो मैंने तो येलो कलर ही परचेज़ किया क्योंकि येलो कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये थी मेरी पर्स की परचेजिंग। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब मैं आपको जो चीज़ दिखाऊंगी वो है वहाँ की ज्वेलरी। सरोजनी की ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही अच्छे प्राइस में वहाँ पे ज्वेलरी और बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन में वहाँ पे ज्वेलरी मिल जाती है। तो वहाँ से मैंने कुछ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी परचेज़ की थी, तो आइए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि वहाँ से मैंने क्या क्या ज्वेलरी परचेज़ की थी। तो जो सरोजनी मार्केट में जो ज्वेलरी की शॉप्स हैं वो जैसे ही आप गेट नंबर 1 से एंटर करेंगे वहीं से वो शॉप स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ से मैंने कुछ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी परचेज़ की है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो पहली ज्वेलरी मैंने परचेज़ की थी वो थी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। तो ये जो ज्वेलरी है इनका जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ से स्टार्ट था, तो ये तो मुझे 100 रुपीज़ में वो बोल रहा था, 50 रुपीज़ में उसने मुझे ये दे दी थी। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगी, एकदम यूनिक डिज़ाइन की थी। तो ये थी मेरी पहली ज्वेलरी। अब मैं बात करती हूँ मैंने दूसरी ज्वेलरी कौन सी खरीदी थी। तो जो दूसरी ज्वेलरी मैंने परचेज़ की थी वो थी इस टाइप की चांद वाली। तो चांद वाली स्टाइल की जो ज्वेलरी है वो काफ़ी बड़ी थी, इसका
जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा। वाइट कलर का इसमें यहाँ पे नग लगे हुए हैं और ये भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ही है। तो इन सब का जो प्राइस था वो 50 रुपीज़ था। तो जो नेक्स्ट ईयरिंग मैंने वहाँ से परचेज़ किया था वो था ये एलिफेंट स्टाइल का। तो ये एलिफेंट की वजह से मुझे बहुत सुंदर लगा। यहाँ पे इस टाइप से इसमें एलिफेंट बना हुआ है और नीचे यहाँ पे इस तरह से इसमें डिज़ाइन बना हुआ है, तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा इंडियन ड्रेस वगैरह में पहनने के लिए। अगर आप इंडियन ड्रेस पहनते हैं और उसके ऊपर अगर इस टाइप की ज्वेलरी आप मतलब पहनते हैं तो आपका लुक कम्प्लीट हो जाएगा। आपको और भी कुछ ज्वेलरी ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ये ऐसे ही इसके साथ लुक कम्प्लीट लगेगा। तो ये ज्वेलरी मुझे बहुत सुंदर लगी। इस टाइप की ज्वेलरी का जो प्राइस था वो सब 50 रुपीज़ वहाँ पे मिल रहा था। तो ये 50 रुपीज़ में ये ज्वेलरी मुझे मिल गई। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मतलब कहीं से भी मुझे आर्टिफिशियल और जैसे टूटा हुआ मतलब नहीं लगा, एकदम फ्रेश मतलब ईयरिंग थी ये। तो ये थी मेरी ईयरिंग की परचेजिंग।